अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ्रेंड्स, वेलकम टू हसन गुलमर गार्डनिंग। आप सब खैरियत से होंगे? हम भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रेसिपी बघारा बैंगन की है। ये 25 ग्राम भुने हुए खोपरे हैं। ये 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है भुने हुए। ये 50 ग्राम फली है भुने हुए, और ये तिल है 50 ग्राम भुने। ये तली हुई प्याज है 2 बड़े साइज़ की। बघार के लिए हमने लिया है 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये हमने मसाले ले लिए हैं। ये 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ये 2 टेबल, ये मिर्ची पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, और ये 1/2 टी स्पून हल्दी है। अभी हम सारों को ग्राइंड करेंगे अच्छे से। अब हम सारे मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने 100 ग्राम तेल भगोनिया गरम हो गया है इसमें डाल दिया है। ये मेथी, ज़ीरा, कलौंजी इसमें डाल रही हूँ। अजान गुलमोहर, ये देखिए, ये अजान गुलमोहर गार्डनिंग के बैंगन है। इसमें थोड़े बैंगन और शामिल किया है मैंने। ये मसाला ग्राइंड कर लिया है, पीस कर रख लिया है। बैंगन में नमक लगा कर रख दिया है। इसको अब मैं फ्राई करूंगी। देखिए, इसमें बैगन शामिल कर दिया है फ्राई करने के लिए, और इसको मैं फ्राई कर निकालूंगी, उसके बाद और बताऊंगी। ये देखिए, बैगन अब तलने को आ गए हैं, नरम हो गए हैं। इसको मैं थोड़ी देर में, 3 मिनट में इसको निकालेंगी। ये बैंगन इतने टेस्टी है अजान गुलमोहर गार्डनिंग के, खाली फ्राई करने पर ही नरम पड़ जाते हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है। ये हैदराबादी बघारे बैंगन है। हैदराबाद में ऐसे ही बनाते हैं। ये बैंगन में मसाला भर कर भी तलते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले फ्राई करके मसाला अच्छा तलूंगी। ये 15 लोगों के लिए है। ये बिरयानी के साथ खाते हैं इसको। ये बिरयानी की रेसिपी भी आपको शेयर करूंगी। ये देखिए, सारे मिर्च मसालों को मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। ये फ्राई हो गए बाद इसमें मसाले शामिल करूंगी। ये देखिए, मैंने 50 ग्राम इमली ले लिया है। इसका पल्प, इमली का पल्प, इसका जूस निकालकर मसालों में
मसाले भुने बाद शामिल करूंगी। मसाला तेल छोड़ रहा है, ये और अच्छा पानी सूखने पर इसका इसमें मेरे घर मेहमान आ रहे हैं इसलिए बिरयानी और बघारे बैगन बना रहे हैं। फ्रूट कस्टर्ड भी डेजर्ट बना रहे हैं। ये देखिए इसमें रोगन आ गया है। मैं इससे पहले अचार की जो रेसिपी दी थी उसमें कमेंट्स में कईयों लोगों ने कहा है कि बघारे बैगन, ये देखिए मसाला रोगन छोड़ रहा है। अब इसमें मैं इमली का पल्प इसमें डालूंगी। इससे पहले जो अचार की रेसिपी मैंने दी थी कमेंट्स में कहा है कि बघारे बैगन कैसे बनाते हैं हमें बताइए, तो ये रेसिपी मैं डाल रही हूँ। अजान गुलमोहर के थोड़े से ब्रिंजॉल है और मैंने इसमें बाहर से लाकर शामिल किया है ब्रिंजॉल। देखिए इमली का पल्प जूस डाल रही हूँ। देखिए खट्टा पकने को आ गया है। इसमें हरी मिर्ची और बैंगन शामिल करूंगी। मेरे घर में थोड़े लोग बैंगन नहीं खाते हैं इसलिए इसमें ज़्यादा हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये हरी मिर्च का सब लोग खा लेते हैं और टेस्ट भी हरी मिर्च से बहुत अच्छा आता है। देखिए अभी थोड़ा पानी सूखने पर अब रेडी हो जाएगा, फिर आपको बताऊंगी। देखिए बघारे बैंगन का सालन रेडी हो गया है। ये मेरे अम्मी बताए सो रेसिपी है। मेरे अम्मी जब बनाते थे तो मैं देखती थी, छोटे थे जब। मेरे अम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं है, मेरे अम्मी के लिए दुआ कीजिए आप सब। मेरे अम्मी को सेहत देने के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दो, आमीन सुम्मा आमीन। हर किसी के माँ बाप सेहतयाब रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये वीडियो ये बघारे बैगन रेडी हो गया है, अब इसको मैं बाउल में डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे घर में मेरे दामाद और बेटियां आ रहे हैं इसलिए बिरयानी और बघारे बैगन की बना रही थी तो इसकी रेसिपी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इसको मैंने कोरिएंडर कोथमीर से गार्निश किया है।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब भी करिए। ये कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए। आप लोग भी नए नए लड़कियां हैं, सीख कर अपने घरों में ससुराल में पकाइए और वो लोगों को भी खुश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अजान गुलमोहर गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़। फिया मानिला। दुआओं में याद रखिए। आप लोग भी सेहत अच्छी रखे, अल्लाह ताला आप सबको और सबके लिए दुआ कीजिए कि कोरोना वायरस पूरे को ख़त्म हो जाए।